हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग ऑल सब्जेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जीएनएम फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए, आप लोग का बायोलॉजिकल साइंस में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम एक साथ होता है, तो माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को 5 मार्क्स, 6 मार्क्स और 10 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप वन बाय वन करके इसका प्रिपरेशन करें। ओके, आपको मैं बता दूं कि आप लॉन्ग क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो आपको उसमें डायग्राम जरूर देता है, तो आप इन सारे क्वेश्चन पर देखेंगे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको डायग्राम मिलेंगे ड्रॉ करने के लिए। तो ओके, तो आप डायग्राम का भी अच्छे से प्रिपरेशन करें, नीट एंड क्लीन। ओके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेल स्ट्रक्चर विद डायग्राम। ओके, सेल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें, वो भी डायग्राम के साथ। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करें। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स विद डायग्राम। ओके, लंग्स के स्ट्रक्चर को, लंग्स के स्ट्रक्चर को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन द डिटेल्स अबाउट फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के सारे फेजेस को एक्सप्लेन करें। ओके, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स फंक्शंस। ओके, इंडोक्राइन ग्लैंड और उसके फंक्शंस को लिखें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन आउटर, मिडिल एंड इनर लेयर ऑफ ईयर विद डायग्राम। कान के आउटर, बाहर वाला, बीच वाला और इनर, अंदर वाला, इन सारे लेयर को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट द पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिनरी पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के फंक्शंस को लिखने हैं। ओके, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। आपको यहाँ पे किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर लिखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लाए हैं। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, उसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर दोनों पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एलाबोरेट डायग्राम ऑफ स्किन, स्किन का डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके, और एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी एक्सप्लेन करना है। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, आर्टरीज और वेन के बीच डिफरेंस लिखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एलाबोरेट डायग्राम ऑफ टंग। ओके, एंड डिस्क्राइब अबाउट, आप टंग का पिक्चर बनाएं यहाँ पे। ओके, डायग्राम को ड्रॉ करें और उसके बारे में डिस्क्राइब करें कि आप कहाँ पे शावर, स्वीट, साल्टी, ये सारे होते हैं। ओके, इसको डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट है राइट द डिटेल्स अबाउट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है राइट द टाइप्स ऑफ जॉइंट। ओके, नेक्स्ट है डिस्क्राइब वन ऑफ द जॉइंट विथ एग्जाम्पल। ओके, एक जॉइंट को वो भी एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब ए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्क्राइब करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को लिखना है। नेक्स्ट है डिफाइन स्केलेटन एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ स्केलेटन। ओके, स्केलेटन लिखिए और उसके पार्ट्स को, उसके टाइप्स के भी नाम्स लिखें। ओके, या फिर आपको 10 मार्क्स में दिए हैं तो आप उसके टाइप्स को भी एक्सप्लेन करें। ओके, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी अपैरेटस। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी अपैरेटस के फंक्शंस को लिखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ओके, यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स का नाम लिखें। नेक्स्ट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स विद डायग्राम, लंग्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, वो भी डायग्राम के साथ। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द हार्ट फंक्शन विद डायग्राम, हार्ट के फंक्शंस को लिखना और उसके बाद उसके डायग्राम को भी बनाना है। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन कार्डिक साइकिल एंड स्टेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो कार्डिक साइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको 6 मार्क्स के बाद पूछे गए हैं, लेकिन आपको कभी कभी आपको शॉर्ट और लॉन्ग में मिला के टोटल 15 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं। ओके, डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये कार्डिक साइकिल से हर साल होता है, आपको 2019 और 2020 के भी एग्जाम में आपको कार्डिक साइकिल से पूछे गए हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में जितने भी क्वेश्चंस दिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसे भी पढ़ लें। ओके, तो ये था आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की लॉन्ग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आप लोग के एग्जाम के भी उससे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और खासकर ये सारे क्वेश्चंस जिसमें आपको डायग्राम लिखे हैं। ओके, तो सो फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।